देखिए हमारे जो बाड़मेर शहर की स्थिति है, यहाँ कांग्रेस का बोर्ड है और जिस तरह से शहर की जनता परेशान है, आप ये देखिए कि सीवरेज का काम है, किस तरीके से सीवरेज का काम हो रहा है, किस तरीके से सड़कें उधड़ी पड़ी है, कहाँ रोड लाइट्स होनी चाहिए, कहीं कोई विकास के नाम का कोई काम यहाँ बाड़मेर में नहीं हो रहा। तो बहुत सारे मुद्दे थे, लोगों की समस्याएं हैं, आवारा पशु से परेशान हैं, सड़कें सारी खराब टूटी हुई पड़ी हैं, पानी नहीं आ रहा, कहीं ओवरफ्लो हो रहा है, कहीं गंदे नाले के अंदर हमारे मजदूर भाई, हमारे ठेले वाले भाई गंदे पानी के अंदर खड़े हुए हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद सभी साथ थे और हम सब ने मिलकर शहर की समस्याओं को कलेक्टर साहब के सामने रखा है और अभी हम चेयरमैन के पास जाएंगे, अभी हम कमिश्नर के पास जाएंगे और हमने ये तय किया है कि 15 दिन के अंदर अगर इन चीज़ों का कोई हल नहीं निकला तो भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के नेता सभी धरने पर बैठेंगे। देखिए वो अभी ये राजनीति मत करो, हम बात कर रहे हैं बाड़मेर के विकास की, हम बात कर रहे हैं, नहीं अब वो आप जानो, आपके पास सूचना मिल रही होगी, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, हम ना तो हमें कोई चेयरमैन बदलना है ना कोई नया लाना है, हम उसके लिए काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं कि बाड़मेर की जनता का काम होना चाहिए, बाड़मेर का विकास होना चाहिए, जनता को उसका परिणाम मिलना चाहिए, जनता की समस्याओं का हल मिलना चाहिए, चेयरमैन बदलना नहीं बदलना वो हम नहीं कर रहे।